पत्नी की हत्या करके 6 टुकड़े किए, 2 महीने से पानी की टंकी में छिपा कर रखी थी लाश। घर में मिली नकली नोट छापने की मशीन। बिलासपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नकली नोट के अवैध कारोबार में लगे एक युवक के घर पर जब पुलिस ने छापा मारा तो नकली नोट छापने वाली मशीन के साथ ही वहाँ एक टंकी में महिला की 6 टुकड़ों में की गई लाश मिली। यह लाश पानी की टंकी में रखी हुई थी। आरोपी ने बताया 2 महीने पहले उसने अपनी पत्नी की हत्या करके लाश को काटकर छिपा दिया था। उसने हत्या करने की वजह पत्नी के चरित्र पर संदेह होना बताया। दरअसल नकली नोट की तलाशी में जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो उसके घर की स्थिति चौंकाने वाली थी। पुलिस को घर से बदबू आ रही थी। इसी बीच जैसे ही पुलिस ने सिंटेक्स की टंकी का ढक्कन खोला तो टुकड़ों में कटी लाश मिली। आरोपी पवन ने बताया लाश उसकी पत्नी सती साहू की है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ किया जा रहा है। सकल टीआई सागर पाठक के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली कि उसलापुर रेलवे स्टेशन के पीछे रहने वाला पवन सिंह ठाकुर नकली नोटों का अवैध कारोबार करता है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे उसलापुर ओवरब्रिज के पास नकली नोट के साथ दबोच लिया और फिर जब उसके घर में दबिश की गई तो 500 और 200 के नकली नोट के बंडल मिले। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी पवन सिंह ठाकुर के साथ उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है जो नकली नोट बनाने और मार्केट में खपाने का काम करते थे। सूत्रों का कहना है कि पुलिस आज इस पर बड़ा खुलासा कर सकती है।